स्वागत है आप देश उधम सिंह का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हमारे रेस्क्यू कॉल आया है नवरत्न कॉलोनी से, ये उदयपुर के सभी बात है दोस्तों। फतेहपुरा चौराहे से आप आगे की तरफ जाएंगे साइपन चौराहे, तो उसके जस्ट रास्ते में ही नवरत्न कॉलोनी आती है। तो वहीं पर कोई किचन के अंदर सांप, घर के अंदर सांप घुसा हुआ है, तो आपको लेके चलेंगे। आप वीडियो बने रहे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें। और साथ मेरे साथ कैमरामैन स्नेह वैष्णव और राहुल परमार। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए, तो इस घर के अंदर सांप है, तो ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, हमारे साथ स्नेह वैष्णव और कैमरा में राहुल वर्मा के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। टंकी की तरफ गैस टंकी की तरफ ये सब फिर गया का लाश कर लेगा। ये इधर ही घुसा अंदर, इधर ही इधर ही मुंह था उसका। अब इसको निकालेंगे कैसे? सामान से बटाना पड़ेगा। ये कितना बड़ा सांप, सांप लंबा था भैया, मेरे देखा काला सांप था। तो दोस्तों हमारे टीम मेंबर सामान हटा रहे हैं, काफी ज्यादा सामान है तो टाइम लगेगा थोड़ा हटाने में। आप देख सकते घर का सामान, किचन बिल्कुल ध्यान से एक एक सामान चेक करके। सर क्या है? तो हमारे टीम में स्नेह वैष्णव को सांप दिख चुका है। हाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि रेड स्नेक है, तो आप देख सकते हैं इंडियन रेड स्नेक काफी पीछे छुप कर बैठा है। तो पहले हम इधर से हटाएंगे ताकि वो आगे ना भाग सके। इधर सामान हटाओ, इसको इधर ही पकड़ने कोशिश करेंगे। हाँ ये दोनों कार्टून उठाओ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान हटाने के बाद हमें स्नेक दिख गया। ये एक इंडियन रेड स्नेक है जिसे लोग आम भाषा में दामन सांप कहते हैं और हमारे मेवाड़ में से घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान हटाया हमारे टीम मेंबर्स ने, बॉक्स कार्टून बहुत ज़्यादा हटाने के बाद हमें स्नेक दिखा है। तो ये एक नॉन वेनेमस स्नेक है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता दोस्तों, बता दूँ आपको। इसकी लंबाई से लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि ये जहरीला सांप है, पर बिल्कुल नहीं, ये एक नॉन वेनेमस स्नेक है। अभी आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं इसे दोस्तों। ये चूहों को खाना काफ़ी पसंद करता है, अक्सर चूहों को खाने के लिए घर में घुस जाता है। अभी भी अब इस चूहों को खाने के लिए ये सिलेंडर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चूहे हैं तो चूहों को खाने के शिकार कर में ही यहाँ पर ही घुस गया। और यहाँ पर एक महिला काम कर रही थी, उनका हाथ लगा तो मैंने उन्हें बताया बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं, ये नॉन वेनेमस स्नेक है। तो दोस्तों अब ये भाग रहा है, तो अब इसे हम फाइनली रेस्क्यू करेंगे। अब इसकी टेल पकड़ कर मैं इसे बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकालूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा खुला वातावरण में लेके आएँ और इसे फिर बैग में डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं लगातार ये भागने की कोशिश कर रहा है। काला नहीं है, आप देख सकते हैं इधर ड्रेस ने किस तरह से दिखता है। इसका फोटो पीठ के पास है, देखो बट नहीं डोल पाई का। हां हमारे टीम मेंबर स्नेह वैष्णव है, हमारे साथ अभी भी ज्वाइन किया इन्होंने। तो आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमारा बेदाई कॉल है, हम साइबर रूट पे हैं, तो आगे चल के बताएंगे कि एक और सांप कौन सा है। आप वीडियो बने जरूर बने दोस्तों। तो इसके अंदर बॉक्स दोस्तों स्नेक है, बॉक्स के अंदर ढका हुआ है। हम बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेंगे, स्नेक ऊपर हाथ पर रखेंगे, भले वेनेमस हो या नॉन वेनेमस हो। ये
से हमने तुरंत इसके अंदर डाल दिया। तो दोस्तों आपको मिलेंगे अब रिलीज वीडियो अभी के लिए। दोस्तों हम फाइनली स्पॉट पे आ चुके हैं रिलीज के, तो अब आइए चलते हैं अंदर थोड़ा जाकर रिलीज करते हैं। चालू तो सबसे पहले रेड स्नेक को रिलीज करते हैं। ये एक बिना जहर वाला सांप है दोस्तों, अभी भी देख सकते हैं, इसे मेवाड़ में घोड़ा पचाड़ कहा जाता है। और चलने में काफी उस्ताद होता है ये। तो दूसरे सांप को भी हमने रिलीज कर दिया है पानी के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये पानी वाला सांप है। अक्सर लोगों को इसका जो नकली हुड बनाना लगता है तो इसे कोबरा लगता है। तो लोगों को ऐसा लगता है अक्सर कि ये कोबरा है, पर ये चेकर्ड गिल बैग है पानी वाला सांप। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट कर। और आखिर तक वीडियो बनने के लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, लोगों से भी कराएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। फिर जंगली जीव, जय हिंद जय भारत।